छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादियों से पुनर्वास नीति को लेकर सुझाव मांगा है। ये पहली बार है जब किसी सरकार ने नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने उनसे ही सुझाव मांगा है। इसके लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जगदलपुर में बस्तर संभाग के पत्रकारों से चर्चा की और नक्सलियों तक अपना सुझाव पहुंचाने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने मेल आईडी गूगल फॉर्म भी जारी किया, जिसमें नक्सली पुनर्वास नीति को लेकर अपना सुझाव सरकार को दे सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगल में रहने वालों को बंदूक की क्या जरूरत है, मुख्य धारा से जुड़ें और लोकतंत्र को अपनाएं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि जब पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों को समर्पण करना है तो क्यों ना उनसे ही पूछ लिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए हमने ये कोशिश की है कि जो पत्रकार नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, आगे जब उनका माओवादियों से संपर्क हो तो हमारा ये संदेश उन तक पहुंचाए। नक्सलियों को न पत्रकारों को न नेताओं को करना ये होता है, ये नक्सलियों को समर्पण करना होता है। तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए, माओवादियों से पूछ लिया जाए कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। इसके लिए कोशिश ये की गई कि जो जो लोग जाकर के अंदर रिपोर्टिंग करके आते हैं उनका संपर्क हो सकता है, तो उनसे ही आग्रह किया गया कि एक बार उन्हीं से पूछ लें कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि उनको इनकॉर्ड समर्पण होना चाहिए। तो मैंने बंदूक रख के जंगल में घूमने का क्या मतलब है? नक्सलियों के लिए ही नहीं भाई, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं सुरक्षा बलों के लिए भी कह रहा हूँ, उनको भी क्यों जरूरत पड़ती, नक्सलियों को क्यों जरूरत पड़ती। मुख्य धारा में चलें, लोकतंत्र को अपनाएं और देश और समाज की उन्नति करें। मैं नाउम्मीद नहीं हुआ, मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर से हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा कुछ होगी, खंडों में हो पूर्णता में हो एक अलग विषय, परंतु होगी। और पूरे बस्तर में खुशी का माहौल होगा, पूरा बस्तर उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा, ये पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास, और शीघ्र ही होगा। छोड़िए राजीव गांधी जी के लिए चर्चा करके समय प्रारंभ नहीं करेंगे। पीड़ित पुनर्वास नीति का मामला अलग है, उसको वो सबका सबकी जिम्मेवारी है, सरकार के साथ साथ समाज भी उस पर काम करे, ऐसी कोशिश करेंगे। मैंने फंड रेज हो, समाज का हो, उनसे मुलाकात करके उनकी सहायता करने वाले समाज वाले हो, सारे समाज के ऊपर भी एक विषय ये हो। और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी, और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के आप सभी लोगों से चर्चा करके जो अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए उनके हाथ में भी वो विषय देकर के, जिसमें ईमेल आईडी है, जिसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास, जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं वो वही बता दें। इसी के लिए आज मैंने कोशिश की आप सब लोगों से मिलकर विचार रखने की। इतना रहेगा ये तो समय बताएगा भैया, मैं नहीं कह सकता, परंतु ये है कोशिश है, और सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश कर रहे हैं निस्संदेह। माननीय मुख्यमंत्री जी के उस दिन के मार्गदर्शन के उपरांत हर एक दिशा से सुझाव लेने की कोशिश इसमें हम लोग कर रहे हैं, और सब कुछ हो जाने के बाद उस पर पूरी प्रक्रियागत, मतलब अभी भी छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अच्छी है, नहीं नहीं, परंतु उसमें और क्या अधिक अच्छा हो सकता है, इसकी कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। अभी 2 महीना तो लगना है कम से कम। देखिए मसला ये है कि और युवा इस दिशा में ना जाएं, मसला ये है कि जो है वो सरेंडर कर जाएं, मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए, मसला ये है कि जो इनसे प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए, मसला ये है कि वहाँ विकास कार्य पूरे ठीक से हो जाए, मसला ये है कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ जाए। बहुत से आयाम है भैया, बहुत से आयाम है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जो एनकाउंटर का मसला है, ऑपरेशन का मसला है, यह भी उस पूरे अभियान का 20% है, परंतु 80% और भी काम उस पर है जिसके लिए सरकार संजीदा है और सरकार काम कर